Devi. संबंधों का इतिहास किसी के चाहने से ना तो टूटता है ना ही मिटता है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, यही विधि का विधान है देवी। मेरे रावण ने मुझसे कितनी बार कहा कि मां मेरे पिताश्री को लेकर लंका चलिए, वहां रहकर लंका सम्राट के माता पिता होने का सुख भोगो, परंतु आपने कभी मेरी विनती स्वीकार नहीं की, क्योंकि आपके मन में खोट थी। आप कभी अपने पुत्र का उत्कर्ष नहीं देखना चाहते थे। आज मेरी शिव पूजा रोककर आपने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। धिक्कार है आपके ऋषि होने पर, धिक्कार है आपके रावण के पिता कहलाने पर, धिक्कार है मुझे आपकी धर्म पत्नी बनने पर। तुम्हारे तीखे वचनों के बाणों को सुनने का मैं आदि हो चुका हूं, फिर भी मैं तुमसे अभद्र व्यवहार नहीं करूंगा। मेरे आश्रम की, मेरे ऋषित्व की मर्यादाएं मुझे बाध्य करती हैं। उचित होगा तुम इस समय यहां से चली जाओ। इस समय क्यों? मैं सदा सदा के लिए यहां से चली जाऊंगी, क्योंकि आप जैसे पत्नी विरोधी और पुत्र विद्रोही व्यक्ति के साथ रहकर मैं अपने जीवन में विष नहीं घोलना चाहती, और जिस शिवलिंग की मैं आराधना करती हूँ उसे भी मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी, क्योंकि आपकी अपवित्र छाया पड़ने पर वो शिवलिंग भी अपना प्रभाव खो बैठेगा। अपने पति को अपवित्र कहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होता? हाँ केक्सी, मैं भी द्वेष की सारी सीमाएं लांघ चुका हूं, और जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर तनिक ध्यान अवश्य देना। तुम जैसी पति द्रोणी स्त्री की प्रार्थना क्या भगवान शिव स्वीकार करेंगे? ऋषि विष्णुवा, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, राक्षस कुल में जन्मी राक्षस राजकन्या हूं, और राक्षसों ने एक बार नहीं बार बार ब्रह्मा और शिव को प्रसन्न करके मनचाहा वरदान प्राप्त किया है। इसलिए आप अपना ऋषिपना अपने पास ही रखिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि शिव मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे, परंतु अब मैं यहां इस आश्रम में शिव आराधना नहीं करूंगी। मेरे शिव मेरे साथ जाएंगे। केक्सी, देवी सुनो, ऐसा मत करो देवी, मेरी बात सुनो देवी, केक्सी सुनो, तो शिवलिंग को उखाड़ना पाप है, ये भगवान शिव की अवहेलना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हे प्रभु हो सके तो इस अज्ञानी को क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानती ये क्या कर रही है।